मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अविनाश शाटे आज आप लोगों के बीच में फिर से वापस आया हूँ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेपीएससी सिलेबस। पिछले में जो आपने वीडियो देखा मेरा, उसमें मैंने डिस्कस किया था यूपीएससी सिलेबस के बारे में। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज है जेपीएससी का सिलेबस, कि जेपीएससी का सिलेबस क्या है, पीटी का, मेंस का। और जेपीएससी को मैंने लास्ट में पिछले बार अपने वीडियो में कहा था कि हम लोग जिस तरह यूपीएससी के वीडियोस में देखे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है एंड हाउ टू क्रैक यूपीएससी, आज हम उसी पर बात करेंगे जेपीएससी के पर्पस में कि जेपीएससी का फुल सिलेबस क्या है एंड हाउ टू क्रैक जेपीएससी, आप जेपीएससी कैसे क्रैक कर सकते हो। जहाँ तक जेपीएससी की बात है, इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और जहाँ तक इसकी मुख्यालय की बात है तो सब विदित होंगे इससे कि इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, वो रांची में है, ठीक है। चलिए हम आते हैं जेपीएससी के बारे में। कहा जाता है, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि वो लड़ेंगे क्या जो गिरे ना हो। कहने का मतलब है कि अगर आप एक योद्धा हो तो कभी ना कभी युद्ध में आप कब बनोगे योद्धा, जब आप गिरोगे। जब आप गिरोगे तभी आप में उठने की काबिलियत आएगी और तभी आप दौड़ पाओगे। तो जेपीएससी की अधिकारी के रूप में आप अपने आप को देखने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। जेपीएससी जहाँ तक जो नियुक्ति करती है वो वर्ग खा, मतलब जो सेक्शंस बी होते हैं, ग्रेड बी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करती है। झारखंड के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में जेपीएससी में भी लोगों का जो है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आता है कि जो यहाँ के बच्चे हैं और जो बाहर स्टेट्स के बच्चे हैं, दोनों का क्वेरी आता है। यहाँ के बच्चों का क्वेरी होता है कि सर, झारखंड का जो एग्ज़ाम है उसका जो नया पैटर्न आया है वो कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता। आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। और बाहर के बच्चों का जो क्वेरी रहता है वो रहता है कि सर, क्या हम लोग झारखंड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या झारखंड या जेपीएससी हमसे हो पाएगा। तो वैसे बच्चों को भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप कहीं के भी रहें आप झारखंड जेपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जेपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्पेसिफिक, सिर्फ जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो यूपीएससी का पैटर्न होता है उस पर आप काफ़ी कुछ पढ़ते हो। एक स्पेसिफिक चीज़ें चलती हैं झारखंड के संदर्भ में, वो क्या है, झारखंड का सिलेबस। अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो झारखंड की हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी, अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो झारखंड की इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी होगी। समझ में आ रहा है, मतलब आपको क्या पढ़ना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो आपको एक झारखंड स्पेसिफिक वाला पार्ट ऐड हो जाएगा सर, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और आप कहाँ पर हो, आपको स्पीडिंग सक्सेस के क्लासेस में, जहाँ आपको हर वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो झारखंड स्पेसिफिक भी पार्ट क्यों ना हो, चाहे वो हिस्ट्री का झारखंड स्पेसिफिक हो या इकोनॉमिक्स का झारखंड स्पेसिफिक हो या किसी अदर सब्जेक्ट का झारखंड स्पेसिफिक हो या झारखंड के करेंट अफेयर्स हो, हर कंटेंट आपको अप टू डेट मिलेंगे और ऐसा दिया जाएगा जहाँ पीटी और मेंस के लिए आप आराम से उसे लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं जेपीएससी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। जिस तरह यूपीएससी के तीन फेज होते हैं, उसी तरह जेपीएससी के भी तीन फेज होते हैं। हम आज फर्स्ट फेज के आते हैं, जिसे कहा जाता है पीटी। फेज वन जो इसका होता है वो है पीटी, प्रिलिमिनरी टेस्ट। चलिए जहाँ तक पीटी की बात करें तो पीटी में दो पेपर्स होते हैं, ठीक है, दो पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जिसे हम बोलते हैं GS1 और दूसरा पेपर जो GS2, ठीक है। दोनों कैसे होते हैं, अगर बात करें पैटर्न की तो दोनों पीटी के जो क्वेश्चन ये पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होते हैं। जिस तरह यूपीएससी का पेपर पीटी का ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है, उसी तरह जेपीएससी का पेपर भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं GS1 और GS2 का सिलेबस क्या है, क्या डिफरेंसेस है। बहुत से बच्चों को उसमें बहुत सा डाउट रहता है, तो आपको डाउट लेने की कोई टेंशन मत लो यहाँ पर, क्योंकि अभी जो हम डिस्कस करेंगे जेपीएससी के बारे में, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। कि जेपीएससी में मेरा जीएस का क्या सिलेबस है और GS2 के अंदर क्या सिलेबस हमें पढ़ना है। चलिए बात करते हैं हम लोग पेपर वन, जो GS1 का पेपर है यही कहलाता है हमारा, कौन सा, ये कहलाता है पेपर वन, ठीक है, ये पेपर वन है। और ये जो GS2 का पेपर है यही कहलाता है पेपर टू, क्लियर है।
आते हैं पेपर वन की ओर, जीएस वन, जिसे क्या नाम देते हैं, जीएस वन, जनरल स्टडीज पेपर वन। जहाँ तक इसकी बात की जाए पेपर वन की, तो पेपर वन में क्या होता है कि जो आप यूपीएससी का पैटर्न देखते हो, बिल्कुल कॉमन पॉलिटी, कॉमन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमें पता है कि जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एनिशियंट, मतलब प्राचीनकालीन इतिहास, दूसरा मिडिवियल, मतलब मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, मॉडर्न, क्लियर है, यानी आधुनिक काल इतिहास। तो भाई वही हमें पढ़ना है यहाँ पर भी। सही बात ज्योग्राफी की, तो आप आदित्य सर का आप देखे होंगे वीडियो, हमारे जो मेंटर हैं ज्योग्राफी के, उन्होंने काफ़ी अच्छा सिलेबस डिस्कशन किया है और काफ़ी अच्छे से उसको बताया भी है। तो आप ज्योग्राफी में जाओगे तो ज्योग्राफी में जो हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सेम जनरल ज्योग्राफी, ठीक है, दूसरा जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिर यहाँ पर और क्या है ज्योग्राफी का, तो इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पार्ट उसमें ऐड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिजिकल ज्योग्राफी जिसको आप बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चलिए फिजिकल ज्योग्राफी भी इसमें ऐड होता है। तो ज्योग्राफी में भी इस तरह के कॉमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही हमें पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में भी वही पढ़ना है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या होता है, हम किसकी पढ़ाई करते हैं, जो नॉर्मल यूपीएससी में मैंने बताया था, सेम क्या क्या आता है, संविधान चैप्टर, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, ठीक है, योजना आयोग, लोक लेखाधिकारी, बहुत सी जो चैप्टर्स होते हैं। सिर्फ ऐड क्या हो जाता है इसमें थोड़ा सा, गवर्नेंस में अगर आप बात करेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा पार्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन, कि लोगों का शासन जो है वो किस व्यवस्था में चलता है, वो जो चैप्टर है थोड़ा बहुत उसका पार्ट ऐड हो जाता है पॉलिटी में। तो ये पॉलिटी प्लस, पॉलिटी के साथ इसमें क्या ऐड हो जाता है, थोड़ा बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का पार्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये था पॉलिटी का। रहा बात अब इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग जो जर्नल पढ़ते हैं वही हमें पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में अगर बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, ये दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी झारखंड में नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी वर्ल्ड का पार्ट है वो झारखंड के पीटी के लिए नहीं है, वो किस में हमें पढ़ना है, वो यूपीएससी के पीटी के लिए पढ़ना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो पीटी के क्लास था, जिसमें प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया है कि इसमें हम लोग को वर्ल्ड लेवल का भी ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक झारखंड की बात है यहाँ हमें ये नहीं पढ़ना है, क्लियर है। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि हमें जेपीएससी में वर्ल्ड इकोनॉमी भी पढ़ना है या वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड का कोई भी पार्ट इसमें नहीं जोड़ा गया है, क्लियर है। तो रहा बात अब हम आते हैं ये साइंस एंड टेक, सब पता है साइंस एंड टेक में क्या पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक में जो टेक्नोलॉजी है अप टू डेटेड, और साइंस का हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो भी अभी अप टू डेट टेक्नोलॉजी हमारी चल रही है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाई होती है। अप टू डेट टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया, मतलब वर्तमान की जो टेक्नोलॉजियाँ हैं, वर्तमान की जो प्रौद्योगिकी है, वर्तमान का जो विज्ञान है, ठीक है, वो हमें इसमें पढ़ना है। जैसे किसके बारे में, जैसे यूपीएससी हमने बताया था कि आपको इसरो के बारे में पढ़ना है तो यहाँ भी पढ़ना होगा, आपको किसके बारे में पढ़ना होगा, डीआरडीओ के बारे में पढ़ना होगा तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, आपको अगर पढ़ना होगा किसके बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप यहाँ भी पढ़ना है। तो जो यूपीएससी का साइंस एंड टेक है, बिल्कुल समझ लीजिए यूपीएससी की तरह ही यहाँ भी जेपीएससी का वो सिलेबस है, यानी अगर आप कॉमन पढ़ाई कर रहे हो यूपीएससी के साइंस टेक को, तो आप काफ़ी अच्छा इसमें कर सकते हो। और चूंकि क्वेश्चंस का अगर आप पैटर्न देखोगे आजकल पीटी में, तो जो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर एक स्टेट के एग्ज़ाम में देखो या यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आप करोगे, तो पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री
ठीक है, और चौथा करेंट अफेयर्स। ये चार चार पैटर्न अगर मैं बोलूँ तो चार जो मेरे डाइवर्स सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और कौन सा था, करेंट अफेयर्स और आपका क्या हो गया, साइंस एंड टेक। ठीक है, ये बहुत फोकस्ड हो रही है। ठीक है, यूपीएससी में जाओगे तो ज्योग्राफी में भी काफ़ी फोकस्ड होता है। ठीक है, वहीं स्टेट वाले में इन चारों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इवन ज्योग्राफी के भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं एक एक इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा आप मेरे लिस्ट आने से चूक जाओगे। ठीक है, यानी आपको तैयारी ओवरऑल का हर एक सब्जेक्ट की आपकी मस्त होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो तैयारी का जो एक प्रॉपर गाइडेंस है उसके लिए हम यहाँ पर हैं। हम सीडिंग सक्सेस के जितने भी मेंटर हैं आपको एक जो प्रोवाइड करवाना चाहिए, जो नॉलेज, जो कंटेंट जो प्रोवाइड करना चाहिए, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप बने रहिए और आप फॉलो करते रहिए हमारे सीडिंग सक्सेस क्लास को। ठीक है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं जुड़कर। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा पेपर वन का सिलेबस। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या ऐड होगा, वो ऐड होगा CA। CA मतलब भैया कॉमर्स वाला CA नहीं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐड नहीं होगा। CA मतलब हो गया यहाँ पर करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स, नेशनल करेंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल। दिस इज नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है, घटनाक्रम है, वो इसमें ऐड होंगे। ठीक है, और वो भी अगर आप पैटर्न देखोगे लास्ट कुछ साल का जो क्वेश्चन आ रहा है जेपीएससी का, अगर आप पैटर्न देखोगे तो पिछले डेढ़ साल से कभी कभी दो साल तक का भी एक एवरेज ले लिया जाता है, लाइक मोस्टली जो है डेढ़ साल तक के जो पिछले करंट अफेयर्स है उनका ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पोर्ट्स आ जाता है, करंट अफेयर्स बहुत अपने आप में वृहत है, आर्थिक परिदृश्य से या फिर आप स्पोर्ट्स के परिदृश्य से देख लीजिए, या कौन अवार्ड्स मिल रहे हैं, कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड है, कौन सा खेल का पुरस्कार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किन्हें हाल में पद्मश्री मिला है, नोबेल प्राइज विजेता कौन कौन थे हाल में, किन्हें फिजिक्स में नोबेल मिला है, किनका साहित्य में नोबेल है। तो आप ये चीज़ समझिए कि आपको एक ओवरऑल जो करंट अफेयर्स डेढ़ साल का है वो तैयार करके रखना है, और वो तैयार आपको जो नोट्स हैं और जो कंटेंट्स हैं वो हम प्रोवाइड करवाएंगे जब हमारे क्लासेस रेगुलर वे में बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो था मेरा पेपर जीएस वन का, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं जीएस टू, पेपर टू में हमारा पेपर टू का सिलेबस क्या है। ठीक है, जीएस टू की बात करें तो हमारा सिलेबस ये है। यहाँ सिलेबस आने से पहले मैं इस बार बता दूँ कि जो इस बार का एग्ज़ाम होने वाला है जेपीएससी का, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। बदलाव क्या हुए हैं कि पिछले बार क्या होता था, इंडिविजुअल्स जो ऑब्जेक्टिव्स के पेपर होते थे, मतलब आपका जो पीटी का पेपर होता जीएस वन और जीएस टू, उसके इंडिविजुअल्स मार्क्स ऐड होते थे, क्लियर है। लेकिन इस बार जो मिनिमम कट ऑफ है वो दोनों को जोड़ कर रखा गया है। दोनों को जोड़कर आपको क्या लाना है, मिनिमम कट ऑफ 40% मिनिमम रखा है कि अगर कल के डेट में अगर कोई रिजल्ट एक्सटेंड होता है तो दोनों को मिलाकर मिनिमम जो भी 40% लेकर आएंगे बच्चे वो भी उस लिस्ट में, मतलब मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब उस तरह का केस होता है कोई, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सिनारियो की बात करें तो जो मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कट ऑफ होगा, जिस कट ऑफ पे होगा, अगर कोई विवाद नहीं होता है तो जिस कट ऑफ पे ये नंबर्स आएंगे उसी कट ऑफ पे हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा मेंस के लिए, यानी वही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे जो उस कट ऑफ को टच कर पाएंगे। चलिए अब हम आते हैं जीएस टू के सिलेबस में। ठीक है, जीएस टू का सिलेबस मेरा क्या है, तो जीएस टू स्पेसिफिक आप समझ लीजिए ये है झारखंड स्पेसिफिक। कौन सा स्पेसिफिक है अगर हम बात करें जीएस टू मेरा ऑफ है तो ये मोस्टली जो है ये आपका हो जाएगा झारखंड स्पेसिफिक पेपर। ठीक है, झारखंड स्पेसिफिक पेपर है, यानी मोस्ट ऑफ दी पेपर्स जो इसमें पेपर आते हैं वो झारखंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जीएस टू में तो यहाँ का क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना है, यहाँ जेएच जो डिनोट कर रहा है वो झारखंड को डिनोट कर रहा है, मतलब जेएच का मतलब है झारखंड, झारखंड की शासन व्यवस्था। हमें क्या पढ़नी है, झारखंड की शासन व्यवस्था। अगर झारखंड की शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ बहुत सारी शासन व्यवस्था थी। आप अगर रांची में बात करेंगे तो मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नागवंशी हैं, ठीक है, मुझे पता है कि वो नागवंशी है, लेकिन हमें उसके डिटेल्स में पढ़ना होगा जब आप जाइएगा। तो यहाँ नागवंशी का क्या शासन था, दशनी छोटा नागपुर में कौन कौन से शासक हुए, ठीक है, उनका क्षेत्र कहाँ तक विस्तार था उनका,
उसी तरह यहाँ पर मुंडा शासन व्यवस्था थी झारखंड में, तो कहाँ कहाँ इसका विस्तार था, ओरिजिन कहाँ था, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, इसके कौन से प्रमुख नेता थे, हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इवन इनका जो लोक साहित्य है, इनका रहन सहन, इनका जो कल्चर था, उसमें क्या क्या बातें आती हैं, हमें पूरी शासन व्यवस्था में पढ़नी पड़ती है। उसी तरह मुंडा शासन की तरह ही नागवंशी शासन व्यवस्था है। नागवंशी शासन व्यवस्था के बाद पहाड़ा पंचायत, मांझी परगना, मानकी मुंडा शासन, डोकलो सोहर और जातीय बहुत सारे जो पंच थे यहाँ के, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये हमारा था झारखंड स्पेसिफिक में झारखंड शासन व्यवस्था, ये GS2 के अंदर आता है। फिर उसी GS2 में और क्या आता है, झारखंड से रिलेटेड आंदोलन, यहाँ के सादान के क्या क्या आंदोलन थे, यहाँ आदिवासी में मुंडा आंदोलन, संथाल आंदोलन, ठीक है, उरांव आंदोलन, बहुत सारा था ऐसा जो यहाँ झारखंड में हुआ था। अगर लोहरदगा की बात कर ले तो टाना भगत आंदोलन था, आपको पता होगा कि लोहरदगा टाना भगतों के लिए काफ़ी विख्यात है, तो टाना भगत आंदोलन। उसी तरह यहाँ पर बिरसा मुंडा का आंदोलन कब हुआ था, सिद्धू कान्हू का आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको आंदोलन के सेक्शन में पढ़नी होगी। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जो सिद्धू कान्हू थे, बिरसा मुंडे थे, क्या थे, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी तरह और भी कौन कौन से थे, ठीक है, तो भैरव थे, चांद थे, कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो झारखंड से बिलोंग करते थे, उनका क्या महत्व था और उन्होंने इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया, ठीक है, तो पूरे आंदोलन के बारे में भी हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के टॉपिक में पढ़ेंगे। इवन यहाँ का जो उसके बाद और टॉपिक्स ऐड होते हैं, यहाँ का जो राजनीतिक कल्चर है, यहाँ का झारखंड का आर्थिक कल्चर है, सामाजिक कल्चर है, ये सब झारखंड के टॉपिक्स में आएंगे। राजनीतिक और आर्थिक कल्चर कहने का मतलब है कि अगर हम राजनीतिक कल्चर की बात करें तो यहाँ की जो राजनीति थी वो प्रीवियस में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से लोग यहाँ पर एक्टिव थे और किस किस आंदोलन में एक्टिव थे, उसके परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है। इवन यहाँ की राजनीति की बात करें तो कौन कौन से राजनीतिक दल यहाँ पर हैं, कौन कौन से राजनेता हैं, और वर्तमान में अगर सरकार है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो किसकी सरकार है, यहाँ तक भी हमको अपटूडेट होना पड़ेगा। रही बात आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, अगर झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में आर्थिक परिप्रेक्ष्य कहने का मतलब है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये बात हो रही है, ठीक है, कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी, उसका क्या इम्पैक्ट था, वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है और उसका क्या प्रभाव है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जब ये सारे चैप्टर्स हम लोग जब पढ़ेंगे झारखंड स्पेसिफिक्स जो हमारा चलेगा क्लास, तो उसमें एक एक टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कस किया जाएगा। चलिए आते हैं सामाजिक स्टेटस, यहाँ का क्या सामाजिक स्टेटस था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जनजातियाँ हैं, अलग अलग जनजातियों का क्या सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे लोग रहते थे, कैसे वो उनका रहन सहन था, बहुत कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं में यहाँ के बारे में हमें पढ़ना है जो झारखंड से संबंधित होगा। तो झारखंड शासन व्यवस्था के अंदर ये हो गया, झारखंड आंदोलन के अंदर ये हो गया, उसके अलावा राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के अंदर ये हो गया। फिर आता है झारखंड का लोक साहित्य, यहाँ पर GH मतलब झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में कौन से संगीत हैं, किस तरह के संगीत चलते हैं, होली के क्या संगीत हैं, सादानों के क्या संगीत हैं, आदिवासियों में मुंडाओं के कौन से, उरांव में कौन से लोकगीत प्रसिद्ध है, यहाँ का कौन सा वाद्य थे, मांदर है तो मांदर कहाँ, इस पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसके मांदर के जनक कौन थे, अगर यहाँ का और कोई वाद्य यंत्र है, बहुत सारे वाद्य यंत्र, जब हम इस पर जाएंगे तो बहुत डेप्थ में हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है कि कौन कौन से यंत्र और वाद्य यंत्र थे। उसी तरह यहाँ का क्या संगीत का कल्चर था, हम वो सारा कुछ पढ़ना है किसमें, झारखंड के लोक साहित्य, संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्र के चैप्टर में। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है CNT और SPT। जहाँ तक आपको पता है कि विल्किंसन रूल आया आज़ादी से पहले, ठीक है, फिर CNT में परिवर्तित हुआ, तो हमको पता होना चाहिए कि CNT कहाँ लगा हुआ है। अगर बात करें तो CNT कहाँ है, छोटा नागपुर प्रमंडल में CNT का वर्चस्व है, जहाँ CNT चलता है। और बात करें SPT, तो SPT का जो कार्यकाल है या सॉरी जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो है संथाल परगना में, ठीक है। यानी बेसिक डिफरेंस क्या है CNT और SPT में, कि CNT छोटा नागपुर में जमीन, और CNT SPT है क्या, ये एक जमीन का कानून है, जमीन से संबंधित कानून है, जो जमीनों के हितों के लिए आज़ादी से पहले बनाई गई थी और कुछ आज़ादी के बाद बनाई गई थी। CNT की बात करें तो छोटा नागपुर में, और SPT की बात करें तो संथाल परगना में ये कार्यरत है, ठीक है। तो हमें CNT SPT के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ना होगा कि कब लागू हुआ, किसने लागू किया और कौन कौन से क्षेत्र इन दोनों के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं साहित्य और साहित्यकार। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत से साहित्य और साहित्यकार हैं जिनका एक बहुत अद्भुत योगदान रहा है साहित्य में, और यहाँ की आदिवासी परंपरा और छोटा नागपुर की परंपरा को वास्तविकता से परिचय कराने में।
तो हमारे बहुत से जो साहित्य और साहित्यकार हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, जो इवन भारत के ही कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो नेशनल लेवल पे काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है, जो झारखंड से निवास करते हैं, उन जितने भी साहित्यकार हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ महुआ मांझी हैं, तो महुआ मांझी की कौन सी जो रचना है वो अभी हाल में उनको पुरस्कार मिला है। अगर यहाँ के कोई दीप मुर्मू है तो दीप मुर्मू ने कौन सा लेखन लिखा है। अगर यहाँ के हाल में किस कविता का एक जो संग्रह था जिसको हाल में पद्मश्री मिला है, तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए हमारे पास। लुगुन मुर्मू है तो लुगुन मुर्मू ने क्या लिखा, काफ़ी कुछ है, ठीक है। तो इस तरह के जो साहित्य और साहित्यकार चैप्टर में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये समझ लीजिए। तो GS पेपर जो 2 होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा PT में GS पेपर 2 होता है, वो पूरे रूप से स्पेशली क्या होता है GS के लिए कौन सा झारखंड स्पेसिफिक होता है। और इसमें फिर ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, जिस तरह इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऐड होते हैं, वैसे ही इसमें क्या ऐड हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है सिर्फ CA के आगे क्या लग जाएगा, JCA। JCA मतलब झारखंड क्रिकेट एकेडमी नहीं, ठीक है, JCA मतलब झारखंड करंट अफेयर्स। आप इसको बैट बल्ला लेकर स्टेडियम मत पहुंच जाइएगा, हमें क्या पढ़ना है इसमें, इसमें हमें पढ़ना है झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स, ठीक है, झारखंड करंट अफेयर्स। अगर इसका भी आप पैटर्न पिछले 2-3 सालों में देखोगे तो आप देखोगे कि 1 से 1.5 साल के अंतर्गत जो भी झारखंड से अप टू डेट करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जा रहे हैं, क्लियर है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि अभी हाल में जो, अगर मैं दोनों के बेसिक डिफरेंस में बात करूँ, एक ही क्वेश्चन को मैं 2 पैटर्न पे बताने की कोशिश करूँगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। इस पेपर के लिए आपका क्या होगा, इस पेपर के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मान ली करंट अफेयर्स के लिए, कि अभी हाल में ही भारत में जो वैक्सीनेशन हुआ था वो भारत में किसे पड़ा था, ठीक है, हाल में जो वैक्सीनेशन हुआ था भारत में सबसे पहले किसे पड़ा था, उस व्यक्ति या उस महिला का नाम बताएं, ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर उसमें डाला जाए तो क्या पूछा जाएगा, कि अभी हाल में ही जो भारत में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जिसकी शुरुआत की गई है, उसका पहला वैक्सीनेशन का टीका झारखंड में किसे पड़ा है, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है करंट अफेयर्स के रूप में। यानी ये जो भी करंट अफेयर्स होगा वो झारखंड के संदर्भ में पूछा जाएगा, और ये जो करंट अफेयर्स होगा ये नेशनल या इंटरनेशनल के रूप में पूछा जाएगा। तो हम दोनों से अप टू डेट होना है। तो ये था मेरा PT का कंप्लीट सिलेबस। चलिए, सिलेबस का तो डिस्कशन हो गया, ठीक है, सिलेबस का डिस्कशन हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो हम लोग हमेशा बाहर निकल के एक बात करते हैं कि यार सिल्ली मिस्टेक हो गया, थोड़े से के लिए बच गए और एग्ज़ाम सही, मेरा एकदम थोड़ा सा के लिए खराब खराब लग रहा है, हमको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिल्ली जो मिस्टेक है भाई, इससे हमें बचना है। मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको आते हैं वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ हम बैठने के बाद तो मतलब पढ़ के तो पूरा फाड़ के जाते हैं, ठीक है, बैठते हैं आराम से क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टिंग में तो लगता है कि यार यही ऑब्जेक्टिव होगा, फिर जब दूसरा उसका ऑप्शन देखते हैं तो लगता है नहीं नहीं ये भी होगा, फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं बोलते हैं पता नहीं यार थोड़ा कन्फ्यूज़न, इसको बाद में बनाते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है कि अगर गलती से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो जो सही आंसर है वो तो गया, जो गलत आंसर वो हम लोग मार के आ जाते हैं, और गलती से अगल बगल से पूछ लिए तो वो इतने चतुर होते हैं कि अपना तो सही मारेंगे लेकिन आपको बताएंगे अगर आंसर बी है तो अपना तो बी मार लेंगे, लेकिन आपको क्या बताएंगे, अरे नहीं भैया सी आंसर है, तो आप सी मार के आ जाते हो सुनकर। तो पहली चीज़ है एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए, आपको जो आता है उसका आंसर आपको पता है, आप सही मारिए, किसी से पूछकर एग्ज़ाम में कभी मत मारिए, क्योंकि कोई भी लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर बढ़े, ठीक है, एग्जाम्स में। इसीलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और ये सिल्ली मिस्टेक के लिए अपना जो कॉन्फिडेंस है इस लेवल पे रखिए कि जो आपको आता है वो आना चाहिए, वहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए छोटी छोटी क्वेश्चन में। हाँ, कुछ क्वेश्चन हार्ड पैटर्न के होते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, लेकिन जो बिल्कुल ईजी है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, उनको पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दिया भाई कि भारत का राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, अब उसमें भी आप कन्फ्यूज़ होने लगे, तो यहाँ लिख देगा कि भाई भारत के वर्तमान राष्ट्रपति में लिख देगा क्या नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी, और क्या रामनाथ कोविंद जी या मीरा जी, कुछ भी लिख देगा, कुमार मीरा कुमार, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ आप कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, अरे नहीं प्रणब मुखर्जी भी थे राष्ट्रपति शायद होंगे, आप वर्तमान में, मतलब इसका क्या है कि आप अप टू डेट नहीं हैं, अभी रामनाथ कोविंद जी हैं सबको ही पता है भाई, अब इसमें भी आप कन्फ्यूज़ करके मार के आओगे और हार्ड क्वेश्चन गलती से सही कर लोगे आप। तो
तो जब बेसिक क्वेश्चंस में आप गलत हो जाते हो ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो बहुत इंपैक्ट करता है, उससे आपको बचना है। चलिए, ये था जेपीएससी का मेरा पीटी का सिलेबस, ठीक है। अब हम इसके आगे मेंस का सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे, अब मैं इसको रब करूँगा, इसके बाद हम लोग मेंस के सिलेबस में चर्चा करेंगे। चलिए, अभी तक जैसा इससे पहले आप देख चुके हो कि मैं ऑलरेडी मैंने पीटी का जो सिलेबस था वो डिस्कस कर लिया था। किसके संदर्भ में? आज हम लोग बात कर रहे हैं जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में। चलिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस का सिलेबस, कि अब मेंस में कौन सा सिलेबस है और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। जहाँ तक मेंस की बात करें, ये था हमारा फेज टू, ठीक है। ये हमारा क्या था? फेज टू। मेंस में कितने पेपर होते हैं? अगर आप सही से बोले तो मेंस में अगर बात की जाए झारखंड के संदर्भ में तो 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे कि वो 6 पेपर कौन कौन से होते हैं। अगर बात की जाए पेपर वन की, अब उससे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा मेंस का एग्जाम होता है वो यूपीएससी की तरह ही कौन सा पैटर्न होता है, इसका जो पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं होता है, क्लियर है। यहाँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं होता है, यहाँ सब्जेक्टिव पैटर्न होता है। मतलब आपको किसी भी आंसर को व्याख्यित करना पड़ेगा, चाहे वो 2 पेज में हो, 3 पेज में हो, 4 पेज में हो, जिस तरह का क्वेश्चन नंबर होता है, कोई 5 नंबर का आता है, कोई 10 नंबर का, कोई 15 नंबर का मान लीजिए, तो उस तरह के नंबर्स पे आपको 2 से 3-4 पेजों में इसका आंसर एक पूर्ण रूप से लिखना पड़ता है, यानी एक सब्जेक्टिव पैटर्न है। चलिए, अब आते हैं पेपर वन में। पेपर वन जो मेरा होता है वो होता है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कहने का मतलब है कि अगर पेपर वन की बात करें तो हिंदी इंग्लिश में क्या है, आपका ये समझ लीजिए कि चेक होता है कि आपको हिंदी इंग्लिश आती है कि नहीं, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर रूप से आपको देखा जाता है कि आपको हिंदी आता है कि नहीं, भाई आप बोल सकते हो, आपको ठीक है, लेकिन आपका नॉलेज क्या है व्याकरण में, उसी तरह इंग्लिश में ग्रामर में आपका क्या नॉलेज है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो हिंदी इंग्लिश का होता है, ये इसमें क्या होता है, हिंदी में व्याकरण हो जाता है, हिंदी में व्याकरण का भाग हो जाता है, वहीं इंग्लिश में अगर बोले तो मोस्टली ग्रामर, ठीक है। इवन उसके अलावा जो एसे होता है, एसे राइटिंग, हिंदी इवन अगर एसे राइटिंग की बात करें तो इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, निबंध, ठीक है। समझ लीजिए, ये अपने आप में एक चेक किया जाता है कि आपको हिंदी या इंग्लिश आती है कि नहीं। किसी टॉपिक पर आपको निबंध लिखने दिया जाएगा, कुछ ग्रामर्स के पोर्शन होते हैं व्याकरण के, उसको आपको बनाना दिया जाएगा, तो बिल्कुल बेसिक जो 9th-10th में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी का एक छोटा सा वृहत रूप है, जो बहुत आराम से इसको, और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करोगे तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। जहाँ तक इसमें मार्क्स की बात है तो ये जो पेपर वन होता है ये होता है 100 मार्क्स का। कितने का होता है? 100 मार्क्स का, क्लियर है। चलिए, अब हम आते हैं पेपर टू पे। जहाँ तक बात करें पेपर टू की, पेपर टू से ही मेरा पूरा खेल मेंस का जेपीएससी में शुरू होता है। चलिए, हम बात करते हैं पेपर वन की, ठीक है। तो पेपर वन आपका जो है वो क्या है, वो क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसका मार्क्स जो है वो मेंस में ऐड नहीं होता है, इसका मार्क्स जो है मेंस में ऐड नहीं होता है। इसका जो अगर मार्क्स की बात करें तो इसके जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। यानी आपको लेकिन क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका बाकी का पेपर चेक नहीं होगा, ये आप समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्वालिफाई करना है, क्योंकि यही आपकी ये ना हिंदी और इंग्लिश की जाँच करता है कि आप एक ऑफिसर तो बन जा रहे हो, तो क्या आपको बेसिक चीज़ें पता है, हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो पता है कि नहीं, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, और इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। रही बात पेपर टू से, अब यहीं से सारा जो गेम है मेंस का, यहीं से शुरू होता है, ठीक है। यानी अब आपको फोकस करना है कि जो मार्किंग होगा मेरा, जो मेंस का जो मेरा मार्क्स होगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि जो मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे यहीं से, क्योंकि यहीं से सब कोई पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से सारे लोग पढ़ना शुरू करते हैं और मार्क्स उठाने के लिए जो मोस्टली आता है, यानी ये जो मेरा पेपर होता है ये होता है लैंग्वेज या लिटरेचर का पेपर, लैंग्वेज और लिटरेचर का मतलब साहित्य का पेपर है, समझ लीजिए, ठीक है। साहित्य का पेपर है, भाषा एवं साहित्य। अगर बात करें भाषा एवं साहित्य, इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि झारखंड में बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भाषाएं बोली जाती है उनमें से कुछ भाषाओं का
एक संकलन तैयार किया गया जेपीएससी के सिलेबस में कि आप उन भाषाओं में से किसी एक को रख सकते हैं या जो आपकी आधिकारिक भाषा रही है हिंदी, ठीक है, आपकी जो आधिकारिक भाषा रही है हिंदी, तो उसको भी आप रख सकते हो। यानी कहने का मतलब है यहाँ आप हिंदी रख सकते हो, ठीक है, इवन आप इंग्लिश लिटरेचर भी रख सकते हो। फिर अगर आप यहाँ के कोई पेपर्स रखना चाहते हो जैसे नागपुरी, खोरठा, पंचप्रगदियाँ इत्यादि बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है, आप जब जाओगे तो एक पूरा लिस्ट मिलेगा आपको जेपीएससी के साइट में कि आप कौन कौन से पेपर को चूज कर सकते हो। आपने कोई भी एक पेपर उठा लिया और उसका ही एग्ज़ाम्स इस पेपर में लिया जाता है। जैसे मान ले कि मैंने हिंदी रखा तो मेरा जो है एग्ज़ाम्स हिंदी के पेपर का होगा, हिंदी साहित्य से मेरे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने नागपुरी का रखा तो आपका जो नागपुरी का सिलेबस है उससे आपके क्वेश्चंस मेंस में आएंगे, समझ में आ रहा है। उसी तरह आप खोठा रखते हो तो खोठा का जो साहित्य है, खोठा का जो सिलेबस है, उसी से क्वेश्चंस आपके आएंगे। और अगर बात करें इसमें मार्किंग की तो ये पेपर जो होता है ये कितने का होता है, 150 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 150 मार्क्स का होता है। अगर हम बात करें इसकी तो ये 150 मार्क्स का होता है, क्लियर है। चलिए ये तो मेरा पेपर वन और पेपर टू, क्लियर है। अब हम आते हैं पेपर थ्री की तरफ, उसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ उसको भी। देखिए जेपीएससी अपने आप में, ठीक है, एक टास्क की तरह है। अभी अगर बात कीजिएगा तो अभी लेटेस्ट में जो जेपीएससी आ रहा है, ठीक है, अभी सेवन्थ जेपीएससी कहने को है, लेकिन इसमें सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ को मिक्स कर जेपीएससी लाने की बात करिए, और हो सकता है कि विद इन 10 से 15 दिनों के अंदर या फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका विज्ञापन आ जाए। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि जेपीएससी इस बार 2021 मुझे निकालना है, ठीक है, ये जो है मे बी इसमें 300 के आसपास वैकेंसी हो सकती है, सीटें बढ़ सकती हैं, 300 से ज़्यादा भी कुछ हो सकती हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट है कि भाई मेरा एक सीट मुझे चाहिए, तो उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भरपूर कर ली हो, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी आपने भरपूर कर ली हो, लेकिन लास्ट टाइम में अगर आपने वो एनर्जी नहीं लगाई, आपने वो अपना ऊर्जा जो है वहाँ एग्ज़ाम्स के टाइम में नहीं लगाया, तो पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाती है और बाजी कोई और मार ले जाता है। तो आपको एक कंसिस्टेंट तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी तो सब करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा यूपीएससी की तरह ही, क्योंकि आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग होगा वही आपको मार्क्स दिलाएगा। यानी मेंस का आंसर राइटिंग आपका दूसरों से हटकर होना चाहिए, बिल्कुल इतना अच्छा कि अगर जब आपके इवेल्युएटर आपकी कॉपी देखे तो देखते के साथ उनका पेन खुद ब खुद उड़ जाए मार्किंग के लिए, समझ में आया। क्योंकि एक एक नंबर जो होते हैं ना मेरे दोस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए हम आते हैं अब पेपर नेक्स्ट में, जो मेरा पेपर थ्री है। अब हम बात करते हैं पेपर थ्री की, ठीक है। अगर हम बात करें पेपर थ्री की तो पेपर थ्री मेरा क्या है, यह है सोशल साइंस हिस्ट्री जियोग्राफी, सेम वही है, हिस्ट्री जियोग्राफी सोशल साइंस में क्या पढ़ना है बात करें तो क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में वही पढ़ना है जो हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं, एनिशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न। लेकिन इन सब के साथ क्या ऐड होगा, ऐड होगा हिस्ट्री में झारखंड की हिस्ट्री, क्या ऐड होगा, झारखंड हिस्ट्री। यानी आपको झारखंड की हिस्ट्री के बारे में, जैसे ऑब्जेक्टिव में मैंने पीछे बताया था काफ़ी कुछ झारखंड के क्या सिलेबस हो सकता है ऑब्जेक्टिव के, उसी तरह मेंस में एक वृहत रूप में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है, और उसी से आपका क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा मान लो कि झारखंड से रिलेटेड हिस्ट्री में कि यहाँ का जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसे आप अपने हिस्ट्री में कैसे देखते हो, इसकी एक वृहत रूप में चर्चा करें, ठीक है, या इसे परिभाषित करें। तो उसका आंसर आपको लिखना होगा, अगर वो 300 शब्दों में है तो आपको एक ऐसा आंसर लिखना होगा कि जब आप वो कॉपी काटने आपके एवेल्युएटर बैठेंगे तो आपका वो बिल्कुल डिफरेंट दिखे, क्योंकि सारे बच्चे इस टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे, जो सिलेबस है इसके टॉपिक्स को सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि सारे बच्चे उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, उसी पे एग्जाम लिखेंगे, उनको भी उनका नॉलेज है, आपको भी उसका नॉलेज है, तो डिफरेंट कैसे होगा, डिफरेंट कैसे होगा, डिफरेंट होगा आपका कॉपी, आपका कॉपी अगर डिफरेंट होगा, आपका आंसर स्किल डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मार्किंग दूसरों से अच्छी होगी। और ये जो क्वालिटी है,
कि आपके जो मार्किंग्स अच्छे हो, आपका जो आंसर स्किल राइटिंग हो वो डेवलप कैसे हो, तो उसके लिए यहाँ सीडिंग सक्सेस में आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए आपको एक परफेक्ट कंटेंट, एक परफेक्ट स्किल राइटिंग आपको दी जाएगी, जिससे आप किसी भी आंसर को जब आप लिखोगे, अगर इस बिरसा मुंडा आंदोलन को ही अगर आप लिखोगे तो वो कंटेंट दूर से ही दिखेगा कि आपके जो आंसर राइटिंग का स्टैंडर्ड है बाकी से बहुत अलग है, और वही आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था मेरा पेपर थ्री। अगर हम बात करें पेपर फोर की, ठीक है, पेपर फोर की, इसे ही हम बोलते हैं यहाँ पर जीएस वन पेपर। इसे हम क्या बोलते हैं? जीएस वन पेपर। अगर हम बात करें पेपर फोर की, तो पेपर फोर जो होता है वो होता है क्वालिटी, बात करें उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी पॉलिटी मतलब यहाँ पर राज व्यवस्था, भारत की जो राज व्यवस्था, जो पॉलिटी में हम लोग कॉमन टॉपिक्स देखते हैं वो सारा कुछ हमको पढ़ना है। जो मैंने पीटी में बताया था क्या पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। यहाँ का जो संविधान है, यहाँ के जो राष्ट्रपति, यहाँ के जो राज्यपाल है, यहाँ की विधानसभा, यहाँ की लोकसभा, यहाँ की संसद, यहाँ के लोक लेखाधिकारी, यहाँ की योजना आयोग, यहाँ का चुनाव आयोग, काफ़ी कुछ है पॉलिटी में, ठीक है। तो ये पूरी पॉलिटी में हमको जो कॉमन टॉपिक्स है पढ़ना है। उसके अलावा भारतीय संविधान, क्या है? भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान का निर्माण कब हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा का प्रारूप क्या था, कब संविधान सभा अंगीकृत किया गया, और जब मेरा स्वतंत्रता से पहले क्या उसका प्रारूप था, स्वतंत्रता के बाद में क्या चेंजेस हुए, कहां कहां से विगत चीज़ें ली गई, काफ़ी कुछ स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान में है हमें पढ़ने हैं। तो भारतीय संविधान का भी एक बृहद रूप में इसके लिए काफ़ी पढ़ना है। रहा बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन अपने आप में आपको पता है कि ये लोगों का प्रशासन है, तो इसमें लोगों के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन के संदर्भ में, उसका एक अलग टॉपिक से काफी मेंस के लिए, तो उसको वृहत रूप में पढ़ना है, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो पेपर है ये भी काफी स्कोरिंग पेपर होता है, ठीक है, ये भी काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है। अगर स्कोरिंग की बात की जाए तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग पेपर होता है। जहाँ तक मार्क्स की बात की जाए तो अभी हम मार्किंग क्या हो जाते हैं, ये जो पेपर है ये 200 मार्क्स का होता है, और ये जो पेपर ये भी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। यानी जो पीटी का सिलेबस आप देख रहे हो, ठीक है, यानी आप मेंस अगर आप डेप्थ में पढ़ लेते हो, मेंस की तैयारी आप काफ़ी अच्छे से कर लेते हो, तो पीटी ऑटोमेटिक आपका काफ़ी हद तक हो जाता है, क्योंकि मेंस के टॉपिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आप एक टॉपिक उठाते हो, अगर संविधान उठाते हो कि हमें भारत का संविधान पढ़ना, तो उसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा कि संविधान का निर्माण कब हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन से संविधान में ये अंगीकृत किया गया, कौन कौन से संविधान सभा का जो बैठक था कब कब हुआ, पहला बैठक, दूसरा बैठक, तीसरा बैठक कब हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसी नोट्स में हमें पढ़ना है। और यही सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पीटी के क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो आप मेंस को आपको काफ़ी डेप्थ में तैयारी करनी होगी, ठीक है, जिससे आपका पीटी भी काफ़ी हद तक हो जाएगा। तो ये मेरा 200 मार्क्स का है, क्लियर है? चलिए, ये हो गया पेपर थ्री, पेपर फोर। अब हम आते जाते हैं पेपर फाइव और पेपर सिक्स में, और सब चीज में आप ये जान लीजिए हर चीज में आपको क्या ऐड करना है। झारखंड हिस्ट्री में अगर बात करें तो झारखंड हिस्ट्री ऐड हो जाएगा, ज्योग्राफी की बात करें तो झारखंड ज्योग्राफी ऐड हो जाएगा, इकोनॉमिक्स की बात करें तो झारखंड इकोनॉमिक्स ऐड हो जाएगा। यानी आप समझ लो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हमें पढ़ना है उसमें झारखंड का पार्ट ऐड है। जहाँ तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात है, मैंने डिटेल में पीटी में भी आपको अभी बताया कि मेरा ज्योग्राफी में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, ठीक है, सिर्फ झारखंड का पार्ट उसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम आते हैं, हमने किया पेपर फोर तक डिस्कशन, अब हम करते हैं पेपर फाइव, ठीक है। पेपर फाइव मेरा क्या है, पेपर फाइव की बात करें तो ये प्योर समझ लीजिए इकोनॉमिक्स है, ये प्योर इकोनॉमिक्स है, और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएंगे झारखंड इकोनॉमिक्स का पार्ट। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स का अपना आप खुद ही एक बृहद पैमाना होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत बृहद पैमाना होता है, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं इसमें इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पढ़ते हैं हम झारखंड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं,
ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में और क्या पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स में जो जनरल इकोनॉमिक्स है वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स का ब्रीफ बनाना, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स में वो, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, गरीबी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में जनसंख्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में यहाँ की झारखंड की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में काफ़ी कुछ पढ़ना है, यहाँ के उद्योग कैसे थे, ठीक है, काफ़ी कुछ है उसमें। तो आप जब टॉपिक वाइज बिल्कुल जब चैप्टर शुरू होगा एक एक, तो उसमें एक डिटेल टॉपिक में हम लोग देखेंगे हर एक चीज़ को, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे मेंटर्स हर एक टॉपिक के हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी वे में करेंगे, ताकि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में, और जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी है वो एक परफेक्ट तैयारी आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है, चलिए, ये था मेरा पेपर 5। अगर मेरा पेपर 5 था, और ये भी कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का, कितना वाला 200 मार्क्स का होता है। आते हैं पेपर 6। पेपर सिक्स की बात करें तो ये बिल्कुल समझ लीजिए जनरल साइंस है, जनरल साइंस हो गया, और क्या हो गया इसमें, इसमें ऐड हो जाता है एनवायरनमेंट, और क्या ऐड हो जाएगा इसमें, ऐड हो जाएगा टेक्नोलॉजी, क्या ऐड हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस कहने का मतलब क्या हो गया, जनरल साइंस कहने का मतलब वही जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी कुछ है, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब अपने आप में वातावरण, वातावरण कहने का मतलब पारिस्थितिकी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा इन्वायरमेंट में, पारिस्थितिकी, पूरी की पूरी पारिस्थितिकी जो है हम लोगों को पढ़नी है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी में काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, इन सिटू, एक सिटू हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य, झारखंड में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बहुत सारे चीज़ों का जो विश्लेषण होता है एनवायरमेंटल में हम लोग को पढ़ना है। फिर उसी तरह टेक्नोलॉजी, जहाँ तक बात करें तो मैंने आपको पीटी में भी बताया था कि टेक्नोलॉजी अप टू डेट जो टेक्नोलॉजी है, DRDO हो गया, इसरो हो गया, काफ़ी कुछ हो गया, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने पीटी में पीछे भी डिस्कस किया, वो सारी चीज़ों को बृहद रूप में यहाँ पेपर 6 में पढ़ना है, और इसका जो मार्किंग होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। चलिए अब हम मार्किंग की बात कर लेते हैं, टोटल मेरे कितने पेपर थे, 6 पेपर थे, ठीक है। पहला जो था वो 100, ये मेरा क्वालिफाइंग पेपर था, क्या था, क्वालिफाइंग पेपर, यानी इसका नंबर तो ऐड नहीं होता है तो हम हटा देते हैं। अब जो मेरा पेपर यहाँ से शुरू होता है, पेपर था, ये मेरा पेपर 1 था, ठीक है, ये क्वालिफाइंग था, मेरा पेपर 2 से शुरू होता है, ये कितने मार्क्स का था, 150। पेपर 3 मेरा कितने मार्क्स का था, 200। पेपर 4 मेरा कितने मार्क्स का था, 200। पेपर 5 जो मेरा कितने मार्क्स का था, 200। और पेपर 6 वो मेरे कितने मार्क्स का था, 200। अभी आप इसको ऐड कीजिएगा तो आप देखिएगा 200, 400, 600, 800 एंड 150। 800 में अगर 150 करेंगे तो कितना हो गया, 950। ये मेरा मेंस का मार्क्स है, ये मेरा क्या है, मेंस का मार्क्स है, यानी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ये 950 नंबर का होता है, और ये 950 नंबर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पेपर कैसे लिख रहे हो, क्योंकि अगर आपका पेपर वास्तव में बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो कंपटीशन इतना टफ है, इतना टफ है कि आप समझ सकते हो कि मतलब लाखों लाख बच्चे बैठते हैं और 300 सीट है, ठीक है, इस 300 सीट में कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं, जनरल हो गया, OBC हो गया, SC ST हो गया, हर कैटेगरी में बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने लोग, कम लोग और जो क्वालिफाई करते हैं वो कितना टफ कंपटीशन फेस कर कर आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ अपने एक सीट के बारे में क्या करना है, सोचना है, आपको उसी को टारगेट करना है कि मेरा ये एक सीट जो है यहाँ से सिर्फ मुझे अपना एक सीट लेना है, बाकी मुझे मतलब नहीं है। तो वो जब एक सीट आप टारगेट कर लोगे, ठीक है, और उसके पीछे पड़ जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उसे निकाल भी लोगे, बस आपको जरूरत है एक सही गाइडेंस की, एक प्रॉपर कंटेंट की, एक सही मेंटर की, जो कहाँ मिलेगा, सीटिंग सक्सेस के साथ मिलेगा आपको, ठीक है। ये था मेरा मेंस का सिलेबस। चलिए जो थर्ड फेज है, मैं रब करता हूँ, होप कि आप लोगों को ये जो मेंस का सिलेबस है पूरा पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फेज 3 में, ठीक है। फेज 3 जो है मेरा वो है फेज 3 इंटरव्यू। फेज 3 क्या है, इंटरव्यू। फेज 3 जो है मेरा वो इंटरव्यू है। फेज 3 जो है वो मेरा इंटरव्यू है, ठीक है। सिंपल, मैंने पिछले सेशंस में भी अपने बताया था कि जिस तरह UPSC का इंटरव्यू होता है उसी तरह JPSC का भी इंटरव्यू होता है। ये इंटरव्यू कैसा होता है, पैनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, पैनल इंटरव्यू होता है।
सेम उसी तरह इसमें भी तीन से चार लोगों का, एक चार से पांच या कहीं तीन से चार, इनका एक पैनल बनता है, ठीक है, और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। इसमें अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, कोई आपके कुछ और चीज़ का एक्सपर्ट होता है, और वो आपको बिल्कुल टटोलेंगे कि आप में एक अधिकारी बनने की क्वालिटी है कि नहीं। यहाँ क्या है कि सबसे बढ़िया है, देखिए यूपीएससी में जो मार्किंग होता है इंटरव्यू का, वो काफ़ी बड़ा होता है, वो 275 नंबर का होता था, तो वहाँ इंटरव्यू बहुत मायने रखता था। लेकिन अगर बात करें जेपीएससी की, तो यहाँ पर मेंस का मार्क्स 950 नंबर का होता है और इंटरव्यू जो होता है वो मात्र 100 नंबर का होता है। यानी यहाँ पर इंटरव्यू का अगर एवरेज मार्किंग भी आप निकालिएगा, तो जो बच्चे बिल्कुल खराब कर कर भी आते हैं उनको 40, 30 से 40 नंबर दिया जाता है, ठीक है, यानी एवरेज मार्किंग समझ लीजिए आप। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं करते तो 30 से 40 नंबर आता है, बहुत अच्छा कर लिए 60 70, ठीक है, 70 80, कहने का मतलब है ये मार्किंग चलती है। अगर इस मार्किंग में अगर एवरेज भी आप पकड़ोगे कि आपका मेंस अगर बहुत अच्छा हो जाए और यहाँ पर थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो जाए, तो भी आप में रेड लिस्ट में रहोगे। यानी आपको फोकस कहाँ करना है जेपीएससी में, मेंस में। मेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस का मार्क्स अगर मेरा अच्छा आ जाता है और यहाँ मुझे कुछ एवरेज मार्किंग 50 नंबर भी मिल जाता है, तो भी आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। क्लियर है? क्योंकि जो वहाँ 20 30 40 नंबर का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ मेंटेन हो जाएगा आपका। इसीलिए मेंस को बहुत हल्के में नहीं लेना है, मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत, इसकी तैयारी जो है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से करनी है और एक प्लान करके करना होगा। क्योंकि अगर जेपीएससी की इस बार की बात करो, तो अगर मान लो 1 से 1.5 सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, 1 से 1.5 सप्ताह में अगर मान लो नोटिफिकेशन आता है, तो इसके एग्ज़ाम्स हार्डली 3 महीने के बाद आप प्लान कर लो, तो कब हो जाएंगे? अगर अप्रैल, अभी जब फरवरी में आता है, तो फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, यानी अगर बात करो तो मई में नेक्स्ट जेपीएससी होने के चांसेस हैं पीटी, और पीटी के 2 महीने के बाद, 2 से 2.5 महीने के बाद आपको मेंस देना पड़ जाएगा। यानी आपके पास मिला जुला के 6 महीने हैं जिसमें आपको पीटी और मेंस दोनों क्रैक करने हैं। तो आप सोचिए आपको कितने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करनी होगी, और वो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक प्रॉपर गाइडेंस इस 6 मंथ में, एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक प्रॉपर कंटेंट, एक प्रॉपर चैनल जिसके थ्रू आप जाकर अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सको और अपने आप को एक जेपीएससी अधिकारी के रूप में स्थापित कर सकें, ठीक है। और वो सारा चीज़ आपको कहाँ मिलेगा? वो हम प्रोवाइड कराएंगे, हमारे जो भी मेंटर्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी के मेंटर्स आदित्य सर हो, हिस्ट्री के मेंटर्स हो अभिषेक सर हो, या मैथ या रीजनिंग के मेंटर अभिषेक सर हो, या कोई और मेंटर्स जो जुड़ेंगे, वो जो भी मेंटर्स की हमारी जो टीम है, वो आपको हर अपने अपने सब्जेक्ट्स में वो प्रॉपर जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी, ताकि आप एग्ज़ाम्स निकालो और आप वापस आके कह सको कि सर हमने आपके जो कॉपरेशन से, आपके सानिध्य में हमने से एग्ज़ाम्स को निकाला है। तो हमसे ज़्यादा खुशी और खुशी को नहीं होगी, ठीक है। चलिए आज हमने डिस्कस किया जेपीएससी के बारे में। 3 फेज ऑलरेडी मैंने बता दिया, 3 फेज था, पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, पैनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, आपसे बिल्कुल आपके सीवी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहाँ तक इंटरव्यू सेक्शन का की बात है, तो आप मेरे यूपीएससी वाले में भी देखोगे वीडियोज़ में, उसमें मैंने बहुत डिटेल बताया। यहाँ मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ आपकी साइकोलॉजी को चेक किया जाएगा कि आप एक अधिकारी के रूप में आप में निर्णय लेने की क्षमता है कि नहीं, या एट ए टाइम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्टली आपके सीवी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आप में सीवी जमा करोगे कि आपकी हॉबी क्या है, आपका जो बैकग्राउंड रहा एजुकेशनल क्या रहा है, अगर आपने बीटेक किया था तो आप बीटेक के बाद जेपीएससी अधिकारी क्यों बनना चाहते हो, अगर आप समाज सेवा करना चाहते हो तो आप एनजीओ भी ज्वाइन कर सकते थे, आप जेपीएससी ही आपने चुनाव क्यों किया, ठीक है। एक बहुत छोटा सा आंसर मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जैसे कोई गए हुए थे कैंडिडेट, वो एक एनजीओ से जुड़े हुए थे, तो उनसे पूछा गया कि आप एनजीओ से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और चूंकि समाज सेवा आपका लक्ष्य रहा है, तो आप एनजीओ में ही कैरियर क्यों नहीं बनाते, आपने जेपीएससी का चुनाव क्यों किया? क्योंकि ठीक है, उनका कहीं ना कहीं उनका जो आंसर चल रहा था वो चल रहा था कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन उनके सामने आया, तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि सर मैं समाज सेवा तो करना चाहता हूँ, लेकिन जेपीएससी में एक अधिकारी के रूप में जो चार्म और ग्लैमर है वो भी इसका एक कारण है। दूसरी और सबसे दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये है कि एनजीओ का भी अपना एक जो होता है एक लिमिटेड पैमाना होता है, लेकिन जब मैं एक जेपीएससी अधिकारी के रूप में बैठूंगा तो उसका जो पैमाना होगा वो काफ़ी वृहत होगा, और मुझे आउट ऑफ द बॉन्ड काम करने में भी
जो है मदद मिलेगी, मतलब मेरा जो लिमिटेशन होगा काफ़ी वृहत होगा, इसीलिए मैं बढ़ चढ़कर ये समाज सेवा का कार्य सीधे जनता से संवाद करकर और जनता के पास जाकर कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसका चुनाव किया। ये दो कारण थे, यानी कि एक वृहत पैमाना मुझे समाज सेवा का मिलेगा और इसका जो चार्म है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, इसका जो एटीट्यूड है, इसका जो एक अपने आप में लोगों में जो नज़रिया है एक IAS IAS IPS अधिकारियों का या JPS अधिकारियों को लेकर, इसका जो चार्म है वो भी मुझे अट्रैक्ट करता है और यही परफेक्ट आंसर होता है, ठीक है, कि सिर्फ समाज सेवा करना है तो हम क्या है यहाँ मुझे वृहत पैमाना मिलेगा और इसका चार्म मुझे अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें होती है जब इंटरव्यू आपका शुरू होगा तो वो भी हम लोग आपको इंटरव्यू में वो सारा चीज़ जो वो जो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनका जो एक बंडल होता है वो हम आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको तैयार करेंगे कि क्या आंसर देना है और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको कितना बूस्ट करना है, कैसे आपको इंटर करना है, कैसे आपको एग्जिट करना है और कैसे आपको फेस करना है। चलिए, ये था आज JPSC का एक कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन। मैं अविनाश आर्य इसी तरह आप लोगों से मिलता रहूँगा आने वाले और भी डेमोज में, और जो मेरे चैप्टर शुरू होंगे तो मैं आप लोगों को पर्टिकुलर चैप्टर्स में हर एक टॉपिक में आप लोगों को एक डिटेल वे में उसका नॉलेज दूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद सीडिंग सक्सेस। मैं अविनाश आर्य, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।